हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमजी टेक्निकल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ इंटरनेट की सबसे अमेजिंग पांच वेबसाइट है जो कि बिल्कुल फ्री है। आइए हम लोग चलते हैं अपने गूगल क्रोम के ब्राउज़र चलते हैं। तो अपने गूगल क्रोम का ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने गूगल क्रोम का ब्राउज़र ओपन कर लिया है। तो मेरी फर्स्ट वेबसाइट जो है वो है AI पिक्चर वी स्टोर। तो इसमें ऐसा होता है कि आपकी जो भी ख़राब कोई भी कैसी भी ख़राब पिक्चर हो या फटी पानी पिक्चर हो उसको आपको क्लियर और सही करके देगा, बिल्कुल बेहतरीन नई तरह बना के देगा। तो हम लोग अपनी वेबसाइट चलते हैं AI पिक्चर स्टोर, AI पिक्चर स्टोर। ये मेरी वेबसाइट है, इसको ओपन कर लिया। ये वेबसाइट बिल्कुल फ्री होती है, इसमें आपको कोई कॉस्ट नहीं है, तो कोई पेमेंट नहीं करनी है। ये आपको फर्स्ट लिंक है, इसको आप ओपन कर लेंगे। ओके, ओपन कर लिया। यहाँ पर आएंगे, अपलोड पे आएंगे, तो ये अपलोड पे क्लिक कर लेंगे आप। आपकी जहाँ फ़ोटो, आप फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ये मेरे पास एक फ़ोटो है, पड़ी हुई है, थोड़ी क्वालिटी से कम है, ये देखिए ये फ़ोटो है। तो इस पर हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ देखिए आपकी पुराने फ़ोटो को जैसा शो कर रही है। इसके बाद नीचे आएंगे तो रिस्टोर पर आप कैसे क्लिक करेंगे, थोड़ा समय लगेगा। तो यहाँ देखिए होना चालू हो गई है कुछ इस तरह से, थोड़ा प्रोसेस होता है, थोड़ा टाइम लगेगा, बल्कि आपके काफ़ी फ़ोटो सही करके दे देगा। ये हमारे फ़ोटो डाउनलोड हो गई कुछ इस तरह से, तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये देखिए हमारी फ़ोटो इस तरह डाउनलोड हो गई है। आपके जो पहले फ़ोटो तो अभी फ़ोटो दोनों दिखाते हैं, इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं। और आपके जो पहले फ़ोटो डाउनलोड पड़ी हुई है, यहाँ पे जाएंगे तो ये देखिए ये है डाउनलोड फ़ोटो। ओके, ये पुरानी फ़ोटो है और इधर ये आपकी देखिए नई फ़ोटो है। तो देखिए ये कितनी ख़राब फ़ोटो थी, इसको बाकी काफ़ी सही कर दिया है। और बाकी आप एडिटिंग से वहाँ सही कर सकते हैं, आपकी पुरानी फ़ोटो से काफ़ी अच्छी इसने फ़ोटो बना दी है। ओके, इसके बाद हमारे नेक्स्ट वेबसाइट जो है वो है रिमूव BG बैकग्राउंड। आपका जो फ़ोटो है, किसी भी तरह की फ़ोटो होती है, उसको बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। इसमें आपका जो वीडियो हो या फ़ोटो हो, आपके बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। तो इसकी रिमूव बैकग्राउंड या रिमूव BG दोनों आप सेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों एक ही वेबसाइट होती हैं। रिमूव BG भी गए, तो ये आपका फर्स्ट लिंक है, इसको आप ओपन कर लेंगे। रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेज, इससे आप वीडियो को भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे, फाइल पे जाएंगे, फाइल पे आप फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे। आप देख लीजिए जहाँ पे आपको फ़ोटो वगैरह हो कोई, जैसे कि ये मान ली फ़ोटो है, इसका मुझे बैकग्राउंड क्लियर करना है, पूरा बैकग्राउंड खाली करना है, तो बैकग्राउंड हटा सकते हैं। फाइल को ओपन कर लेंगे, थोड़ा सा समय लगेगा, मुश्किल से 30 सेकंड लगेगा, आपका जो बैकग्राउंड तो पूरा बैकग्राउंड हटा देगा, क्लियर हो गया। देखिए आपका पूरा बैकग्राउंड क्लियर हो गया। ओके, यहाँ पे आप इसको एक इसमें और ऑप्शन है, यहाँ पे आप इसको एडिट कर सकते हैं। एडिट पे जाएंगे तो आपको कुछ ये बैकग्राउंड देगा आपको, तो यहाँ से आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये आप कुछ ही बैकग्राउंड यहाँ से लगा सकते हैं, दूसरा कोई बैकग्राउंड लगा सकते हैं, पुराना बैकग्राउंड आपका हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, उसकी जगह आप देखिए दूसरा बैकग्राउंड लगा सकते हैं। यहाँ से आप जो आपको अच्छा लगे वो बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, और चेंज करने के थ्रू आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ जिसको सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ डाउनलोड हो जाएगी फ़ोटो, आपको जो भी बैकग्राउंड अच्छा लगता हो उसको करके डाउनलोड कर लेंगे। ओके, तो इसके बाद हमारे नेक्स्ट वेबसाइट जो है AI पिक्चर कलराइजेशन। तो हम लोग उस पर, तो ये हमारी वेबसाइट है AI पिक्चर कलराइजेशन, तो उस पर मैंने क्लिक किया। ये जो आपके फ़ोटो जो होते हैं ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो होते हैं कुछ पुराने ज़माने वाली, तो इस पर हम करेंगे तो आपके फ़ोटो को कलर कर देगा। ओके, तो ये मैंने लिंक ओपन कर लिया है, यहाँ से हम फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मेरे पास ये एक शेर फ़ोटो है, तो इसको मैंने ओपन किया, यहाँ से कलराइजेशन कर देंगे।
तो मुश्किल से 30 से 40 सेकंड लगेगा, या ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोटो को कलर में बना देगा। तो ये देखिए, ये हमारी फ़ोटो है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। हमने ये ओपन फ़ोटो कर ली, ये देखिए हमारी कलर जो फ़ोटो है, ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोटो जो थी वो कलर में हो चुकी है। आपको डाउनलोड कर दिखा देते हैं, जो मैंने फ़ोटो पहले पहले से पड़ी हुई है। ये मेरी फ़ोटो है, देखिए दोनों देखिए आप, ये आपकी ब्लैक एंड फ़ोटो है, ये आपकी कलर फ़ोटो है। देखिए ब्लैक एंड फ़ोटो को आपको कलर बना दिया, मुश्किल से लगा होगा 10 से 20 सेकंड लगा होगा, 10 से 20 सेकंड में आपके ब्लैक एंड फ़ोटो को कलर बना देंगे। इसके बाद हमारे नेक्स्ट वेबसाइट का नाम जो है जूम क्विट .org। इसमें आपकी जो एक पिक्चर होती है उसको अनलिमिटेड जूम करता जाता है। तो हम लोग दिखाते हैं वेबसाइट कैसी दिखती है। इसको डाल देंगे जूम क्विट .org, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। आपको जो फर्स्ट लिंक है उसी को ओपन कर लेंगे। तो ये मेरा फर्स्ट लिंक ओपन हो गया है, यहाँ से आपको इमेज दिख रही है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। आप ये अनलिमिटेड जो इमेज है उसको जूम करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा। आप देखिए कितनी अंदर तक, इमेज के अंदर इमेज के अंदर इमेज के अंदर जूम करता जाएगा। ये उससे वेबसाइट आपको अच्छी लगेगी, इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आती रहती हैं, बहुत सारी इमेज के अंदर इमेज के अंदर इमेज आती रहती हैं। देखिए यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, अगर आप दूसरा चाहे तो दूसरा ले सकते हैं। यहाँ से जैसे कि आप ये ले सकते हैं, दूसरा इमेज सेलेक्ट कर लेंगे, इसको इमेज दिखाएगा आपको। ये देखिए कितना अच्छा बैकग्राउंड है, एक वॉलपेपर है, इसको जूम करेगा, अनलिमिटेड जूम करता जाएगा, इमेज के अंदर इमेज के अंदर इमेज जूम करता जाएगा। ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो लोडिंग होने में टाइम लगता है, तो वो आपके नेट पर डिपेंड करता है, नेट की स्पीड कैसी है। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और ये वेबसाइट आपके लिए अगर आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही टाइम लगता है और बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो एक लाइक तो बनता है प्लीज़। तो ये मैंने बताया, जैसे बताया आपकी इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है। तो ये इस तरह से अनलिमिटेड जूम करता जाए करता जाएगा। इसकी मैं थोड़ी वीडियो दिखा देता हूँ, थोड़ा आपको देख सकते समझ में आएगा कि ये इमेज कैसे जूम करता जा रहा है। मतलब इमेज में इमेज है, बस इसमें अनलिमिटेड जूमिंग होती रहेगी। ओके तो हमारी नेक्स्ट लास्ट वेबसाइट जो है वो है फोटो एडिट। तो दिखाते हैं कैसे होता है फोटो पे .com, इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट वाले लिंक ओपन करिए, डायरेक्ट वहीं पे वेबसाइट हो जाते हैं। तो ये मैंने ओपन कर लिया कुछ इस तरह से। आपको जैसे आपको फोटोशॉप होता है आपके सिस्टम में पड़ा ही होता है, वैसे ही ये फोटो वेबसाइट में ओपन होगा। तो ये हमारी वेबसाइट फोटोशॉप की ओपन हो गई है। यहाँ से आप फोटो को यहाँ से फाइल पे जाकर ओपन करके आप फोटो एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए हमें फ़ोटो को एडिटिंग करनी है, ये फोटो लेते हैं, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। ये देखिए आपको यहाँ पे सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे। इसी में थोड़ा मॉनिटर थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। देखिए फोटोशॉप के सारे टूल्स इसमें आपको मिल जाएंगे, मैजिक टूल हो गया, पेन टूल हो गया, क्रॉप करने वाला, इसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। कटिंग लिए आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप कट कर सकते हैं, ये सेलेक्ट करके आप कट करते हैं, इस तरह से आप कट कर सकते हैं। ओके ये नहीं अच्छा लगा तो आप इसमें मैजिक टूल का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका जो भी एरिया आप सेलेक्ट करेंगे वो आपका हो जाएगा यूज। मतलब सेम आपका जो सिस्टम में फोटोशॉप यूज होता है वैसे ही फोटोशॉप इसमें यूज होगा। प्लीज़ अभी तक आपने